हम अपने चैनल में रोज़ कुछ नया नया तरह का वीडियोस लाने का कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स। आज हम अपना चैनल में एक शॉर्ट ट्रेन जर्नी लेके आए हैं, जो कि हम अपना बोकारो स्टील सिटीज अपने घर से कहीं जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो आपके लिए सरप्राइज़ रहेगा। आइए देखिए इस वीडियो को और एंजॉय करिए। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। अभी गेस करिए हम कौन सा ट्रेन में बैठे हुए हैं। अभी फिलहाल हम बोकारो स्टील सिटी से शताब्दी एक्सप्रेस में चढ़े हुए हैं। अभी आपको पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल जस्ट हमारा ट्रेन बोकारो स्टील सिटी से डिपार्चर किया है और ये हमारा एक स्पेशल फ्रेंड है। फिलहाल कहाँ जा रहे हैं बताओ। अभी हम लोगों को बताना नहीं है कहाँ जा रहे हैं, आप लोग गेस करिए। नहीं, इतना भी हिंट्स नहीं देना है अभी पब्लिक को। लोग गेस करिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। लॉकडाउन में हम लोग इतना बोर हो गए थे, इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि कब हम लोग जाए कब हम लोग जाए। एकदम डेली दानिश, हमारा फ्रेंड इसका नाम दानिश है, हम लोग डेली डिस्कस करते थे कब जाएंगे भाई कब जाएंगे। इसका तो बहुत पहले से मन था भाई चलो चलो चलो, लेकिन बहुत मुश्किल से घर से परमिशन मिलने के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं। आगे देखिएगा कहाँ जा रहे हैं। तो ये मेरा भाई अभी रांची स्टेशन से सुबह 1:45 में ट्रेन से चढ़ा है और हम बोकारो से चढ़े हैं। मेरा घर का फ्रेंड लोग आया हुआ था ट्रेन में चढ़ाने के लिए। हमारा जर्नी अभी बहुत ही शॉर्ट जर्नी है, सिर्फ 3 घंटा का। आप लोग गेस करिए बोकारो से 3 घंटा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बहुत सुंदर वेदर है और ट्रेन तो बहुत अच्छा है, बहुत साफ सुथरा है। बस एक ही दिक्कत है, पहले इसमें खाने पीने का फैसिलिटीज था लेकिन अभी कोरोना की वजह से ना कुछ कुछ भी नहीं आएगा ट्रेन में। हम लोग यहाँ पे कौन सा सीट है, सीट का नाम क्या है, सीसी है ना, जिन लोग नॉर्मल एसी चेयर कार पे रिजर्वेशन कर रहे हैं इसमें कि आप लोग देख सकते हैं एक विंडो है और ट्रेन कुछ इस तरह दिख रहा है। देखिए ये चेयर कार है, हम लोग 3x3 में बैठे हुए हैं। 3x2 ट्रेन कहलाता है ये, बॉगी 3x2 का है, इसमें हम लोग 3 सीटर में हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे फिलहाल एक छोटा सा टेबल दिया जाता है जिसमें कि आप अपना लैपटॉप रख के यूज़ कर सकते हैं और एक पैर रखने का ये एडजस्टेबल है। सीट भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल सीट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ये देखिए बाहर का नज़ारा, खराब बोल रहा है।
अब हम लोग धनबाद स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये आपका ट्रेन का वॉशरूम में भी हम हैं। यहाँ एक बड़ा सा मिरर है, एक बेसिन है हैंड वॉश करने के लिए, हैंड वॉश है। वॉशरूम काफ़ी अच्छा कंडीशन में है। बाद में ट्रेन 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट 15 मिनट का है। अब ट्रेन डिपार्ट करने के लिए तैयार है। टाइम हो रहा है 5:45 और ट्रेन धनबाद स्टेशन से डिपार्चर हो रहा है। धनबाद में भी थोड़ा बारिश हो रहा है अभी, और चलते हैं हम अपना सीट पे। ट्रेन में काफ़ी सीट खाली रहने की वजह से हम लोग अभी अपना सीट चेंज कर लिए हैं। और ये ट्रेन का एकदम मिडिल सीट है, और हम पानी लेके आ रहे हैं। और ये भाई अभी लेस हमारे लिए धनबाद स्टेशन से उतर के भाई लेस खरीद के लेके आया है। और ये हम लोग आराम से बैठ के लेस कुरकुरे पानी खाते हैं, तो पीते पीते हम लोग ट्रेन का मज़ा ले रहे हैं। पानी ले जा रहा ना जाने में बता दीजिए नहीं कहाँ जा रहा है। नहीं अभी तो अभी किसी को कुछ नहीं बताया कहाँ जा रहे हैं। और कुछ भी लेस में हवा भी कम थी। अच्छा नाइट्रोजन गैस कम था, हवा नहीं बता नाइट्रोजन गैस। ऐसा भी नहीं ना हुआ। ये सीट भी काफ़ी अच्छा है, आराम से। अरे व्यू बहुत अच्छा लग रहा है इस जगह पे केवल का। धनबाद स्टेशन के बाद ट्रेन अपना पूरा रफ्तार से भाग रही है। देखिए आप फ्रेंड्स, अभी ट्रेन का स्पीड 116 है। ट्रेन अपना हाईएस्ट स्पीड में है अभी फ़िलहाल। अब हम लोग कुछ ही देर में
आसनसोल स्टेशन पहुंचने वाले हैं। यह हमारे जर्नी का सबसे बड़ा ब्रिज है, इसका नाम है बराकर ब्रिज। ये सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है हमारे जर्नी का। आप देखिए फ्रेंड्स कितना ज़ोर से थंडरिंग हो रहा है, बादल भी गरज रहा है। आज मौसम बहुत ही ख़राब किया हुआ है। ट्रेन अभी फ़िलहाल 11 मिनट डिले से चल रही है अपने निर्धारित समय से। आई होप सो ट्रेन राइट टाइम पे पहुंचा दे। वैसे फ्रेंड्स हम लोग दुर्गापुर जा रहे हैं, देखिए कब तक पहुंचते हैं। मौसम तो बहुत ख़राब किया हुआ है। अब हम लोग आसनसोल स्टेशन घुस रहे हैं। यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट सिर्फ 5 मिनट्स का है। इसके बाद और हम लोग कोई भी ब्लॉग नहीं बनाए क्योंकि बारिश हो रहा था। और फिर उसके बाद स्टेशन से निकल के हम लोग को जल्दी जल्दी रूम जाना था, इस वजह से हम लोग सीधे रूम आ गए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे साथ ये छोटा सा ब्लॉग था फ्रेंड्स। थैंक यू, आप इस वीडियो को लाइक कर दें फ्रेंड्स अच्छा लगा तो, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।